जब जीवन पर मौत का खतरा मंडरा रहा हो तो सब कुछ बेकार है। बेचारा सतीश इतने घातक दर्द से गुजरा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक गलती उसे मौत के मुंह में ले गई। काश वे वहाँ नहीं जाता। वे अपने आसपास के सभी गांव वालों के लिए आखिरी उदाहरण बन गया था, क्योंकि वे अपने मुंह से अपनी भयानक दर्दनाक कहानी और घातक बीमारी बताने के लिए जीवित रहा। तो चलिए शुरू करते हैं एक डाइन और इंसान के बीच की खतरनाक भयानक कहानी को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। यूं तो मधुमलाई के जंगलों के बारे में भूत के बहुत सारे किस्से हैं, जिनमें से कुछ तो मैं आपको पहले ही सुना चुकी हूँ। आज एक और किस्सा आपको सुनाती हूँ। मधुमलाई के एक गांव में ना दो भाई रहते थे। बड़े का नाम सतीश था, जिसकी उम्र 20 साल की थी। छोटे का नाम दीपक था, जिसकी उम्र 15 साल की थी। जो सतीश था ना, वो लकड़हारे का काम करता था। वो ना गांव से होता हुआ नदी के पुल से गुजरता हुआ एक जंगल में जाता है। वहां से लकड़ियां तोड़कर ना गांव में आकर बेचता है। उसका ये डेली की रूटीन है। इस जंगल के बारे में ना बहुत सारी दंत कथाएं फेमस हैं। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि जंगल का एक हिस्सा ऐसा है कि वहाँ पर नहीं जाना है। बड़े बुजुर्गों की बात का पालन सभी आसपास के गांव वाले करते हैं। जंगल के वो हिस्से में कोई भी नहीं जाता है। अब आता है 26 जुलाई 1977 का डे। सुबह से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। सतीश अपना डेली की तरह जंगल में जाता है और लकड़ियाँ तोड़ रहा होता है। वहाँ पर बहुत सारे और भी लकड़हारे होते हैं। वो देखते हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना घर जाया जाए, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है। लेकिन जो सतीश है ना, वो डेली की तरह अपना काम निपटाकर ही घर जाना चाहता है। सतीश अपना काम निपटाता है, लेकिन जो आजू बाजू वाले जितने भी लकड़हारे होते हैं वो तो अपना घर चले जाते हैं। सतीश लकड़ियाँ उठाता है और ना घर की ओर निकलता है। जैसे वो घर की ओर निकलता है ना, तो वो देखता है कि नदी में बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। यहाँ तक कि नदी का जो पुल है ना, वो भी डूब गया है। नजर ही नहीं आ रहा कहाँ है कहाँ नहीं है। पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। सतीश देख रहा है कि वो पानी का बहाव ना अब जंगल की ओर बढ़ता जा रहा है, और उस नदी में ना बहुत ज्यादा मगरमच्छ भी हैं। अब सतीश को समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, कैसे नदी पार करूँ, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा मगरमच्छ है। अब पानी का बहाव जंगल की ओर बढ़ रहा है, तो वो मजबूरी में ना गहरे जंगल की ओर जा रहा है। गहरे जंगल की ओर जाता जा रहा है तो बारिश भी बहुत ज्यादा हैवी हो रही है। उसको बहुत डर लग रहा है, लेकिन उसने ना अपने हाथ में कुल्हाड़ी बहुत मजबूती से पकड़ी हुई है, क्योंकि उसको डर है कि कोई ना कोई जानवर अगर उसके ऊपर अटैक करेगा ना, तो उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी है उससे वो उसका सामना करेगा। अब बारिश हैवी हो रही है और पानी बढ़ता जा रहा है, तो मजबूरन ना सतीश को जंगल के उस हिस्से में जाना पड़ता है जहाँ पर बुजुर्गों ने मना किया है कि यहाँ पर नहीं जाना है। बारिश बहुत ज्यादा है, वो बहुत भीग चुका है, उसके पास लकड़ियां भी बहुत ज्यादा है। अब वो क्या कर रहा है, एक शेल्टर ढूंढ रहा है कि मैं इन लकड़ियों को रख पाऊं और मैं पूरी रात उस छत के नीचे बिता पाऊं। तो उसको ना दूर से एक झोपड़ी दिखाई देती है। सतीश उस झोपड़ी के पास जाता है। वो देखता है उस झोपड़ी का दरवाजा ही नहीं है, अंदर बाहर कोई भी आदमी आ जा सकता है आराम से। वो झोपड़ी के अंदर जाता है, लकड़ियां रखता है। वो देखता है जो झोपड़ी की कंडीशन है ना, अंदर से बहुत अच्छी है। मतलब बारिश की एक भी बूंद, पानी की एक भी बूंद उस झोपड़ी के अंदर नहीं आ सकती है। लेकिन उस झोपड़ी पर जो खिड़की बनी हुई है ना, उस खिड़की पे जगह पर कोई भी बंद करने के लिए ऐसा सामान नहीं है कि उस खिड़की को बंद किया जाए। वो खिड़की एकदम खुली है, कोई भी हम लोग बाहर से अंदर से आराम से देख सकते हैं उस खिड़की के द्वारा। अब सतीश क्या करता है, अपनी लकड़ियां जैसी उसने रखी ना, वो थोड़ा टाइम चारपाई पे बैठता है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। वो बहुत अलर्ट होके बैठता है कि कहीं ना कहीं से कोई जानवर आ गया तो मैं क्या कैसे उसका सामना करूंगा, तो मुझे कुल्हाड़ी पकड़ के ही बैठना चाहिए। तो बहुत अलर्ट बैठा है। अब बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो जाता है उसको। अब अंधेरा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बारिश भी हो रही है, अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है। उसको बड़ी टेंशन है, लेकिन वो थक भी गया बेचारा। वो बहुत थका हुआ है, सुबह से बारिश रुकी नहीं है, बहुत भीग भी जाता है। अब वो सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ, चारपाई पर लेट जाता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ, अपनी पीठ सीधी करता हूँ। वो चारपाई पर लेटा है और वो ना अब झोपड़ी की छत पर देख रहा है। वो छत अभी जैसे ही अपनी पलक बंद करके फिर से उसने छत पर देखा ना, तो देखता पूरी जो झोपड़ी है ना, वो टूटे फूटे खंडर में बदल गई है और उसकी जो छत है ना, पूरी जली हुई है। अब ना सतीश फटाफट उठ के अपनी आंखें ऐसे ऐसा मसलता है। आंखें मसलने के बाद वो ध्यान से देखता है तो जो झोपड़ी है ना, वो पहले की तरह एकदम नॉर्मल है। उस
उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या है, वो ना उठ के बैठ जाता है और झोपड़ी को ना बहुत ध्यान से इधर उधर ऐसे करके देखता है। अब वो इधर उधर देखता है तो वो धार देने ना खिड़की की ओर देखता है। जैसे ही खिड़की की ओर देखता है उसको लगता है कि खिड़की पर ना कोई खड़ा था जो उसको देख रहा था, क्योंकि वहां पर उसको एक बहुत ही डरावना चेहरा नजर आया था। वो ध्यान से देखता है तो उसको कोई वहां पर नजर नहीं आया है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी है, वो फटाफट कुल्हाड़ी लेता है और खिड़की के राइट साइड में पहले देखता है। जैसे नजर मारता है ना राइट साइड में तो उसको कोई नजर नहीं आया, फिर वो लेफ्ट साइड में नजर मारता है तब भी वो उसको वहां पर कोई नजर नहीं आया। अब वो कुल्हाड़ी लेकर ना झोपड़ी के बाहर जाता है और झोपड़ी के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसको कोई नजर नहीं आता है, वहां पर कुछ दिखाई नहीं देता है। अब वो झोपड़ी के अंदर आता है और चारपाई पे बैठा है, उसके हाथ में उसकी कुल्हाड़ी है, बहुत अलर्ट बैठा है कि कौन कहाँ से आ रहा है मैं देखता हूँ। अब बैठे बैठे उसको काफी समय हो गया है, रात भी हो रही है तो उसको कुछ नजर नहीं आता है ना, तो वो अपनी कुल्हाड़ी अपना चारपाई पे साइड पर रख देता है। अब ना चारपाई के नीचे से दो हाथ आते हैं, सतीश के पैरों को पकड़ते हैं और धार देने वो चारपाई के अंदर उसको खींचते हैं। अब ना वो मुंह के बल गिरता है और ना पीछे से उसको जो पैर है खींचे जा रहे हैं चारपाई के नीचे से। उसको महसूस होता है कि जैसे ये जो हाथ उसके पैरों को खींचे जा रहे हैं ना, ये इंसान के हाथ नहीं है, क्योंकि ये जो हाथ है ना बहुत ही बड़े हाथ है और उसको ना नाखून चुपाए जा रहे हैं। वो सोचता है कि अगर ये इंसान के नाखून होते ना, तो अगर इंसान के नाखून इतने से भी बड़े होते ना, तो अगर किसी की स्किन में अगर वो चुभाए जाते तो वो नाखून बेंड होते, लेकिन ये नाखून जो है ना टेढ़े नहीं हो रहे हैं। ये नाखून तो ऐसे लग रहे जैसे शेर के नाखून होते हैं ना, फाड़ डालने के लिए आते हैं, वो ऐसा उसको महसूस हो रहा है। एकदम नुकीले नुकीले जो नाखून है ना उसके पैरों में घुस रहे हैं। वो बहुत अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है और अंदर ही अंदर ये सब बातें सोच ही रहा होता है। जैसे वो हाथों की मजबूती हल्की सी कमजोर पड़ती है ना, तो सतीश वहां से भागता है, वो कंटिन्यू भागता है। उसको ना बहुत ही डरावनी भयानक आवाजें सुनाई दे रही है पीछे से। जैसे वो उस डेंजर जोन से निकलता है ना, वो पलटी मार के देखता है। जैसे उसने पलटी मार के देखा ना, उसके तो कान एकदम खड़े हो गए, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि एक बहुत ही लंबी चौड़ी औरत है जो कि एक चुड़ैल है, उसके पूरे बाल खुले हैं, उसकी लाल लाल आंखें हैं, उसके जो दांत है ना बहुत ही बड़े बड़े हैं, उसके नाखून जो है ना एकदम लंबे लंबे नुकीले नाखून हैं, जैसे कोई खिल्लियाँ नहीं होती हैं वैसे उसके नाखून लंबे लंबे तीखे नाखून हैं। सतीश ये देखकर बहुत डर जाता है अब वो डिसाइड करता है कि मुझे यहाँ से भागना ही होगा, मुझे इस चुड़ैल से ना अपनी जान बचानी होगी। वो वहाँ से भागता है, कंटिन्यू भागता है। अब वो नदी के पास आता है, वो देखता है कि नदी का जो पानी है ना बहुत ज़्यादा हैवी बहाव में बह रहा है। वो डिसाइड करता है कि उस चुड़ैल के हाथों से मरने से बेटर है कि मैं एक बार कोशिश करूँ इस पानी को पार करके अपने गाँव पहुँच जाऊँ। सतीश इस कोशिश में कामयाब रहता है, वो बहुत मुश्किल से इस नदी के पानी को पार कर पाता है। वो अपने गाँव में पहुँचता है, बहुत ही लंगड़ाता हुआ, बहुत ही मुश्किल से ना पहुँचता है। उसके जो पैर है ना पूरे जख्मी हो गए हैं, उनमें से खून ही खून निकल रहा है। अपने गाँव में पहुँचते वो सीधा बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है वो अपने घर में है और उसके ना आसपास बहुत सारे गांव के लोग खड़े हैं। वो सतीश को पूछते कि क्या हुआ, लेकिन सतीश कुछ बोलने के लायक ही नहीं होता। अब थोड़ी सी जैसे बारिश कम हुई ना, तो गांव वाले उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। 4 दिन वो हॉस्पिटल में रहा, उसके ना जो पैरों के जख्म थे वो डे बाय डे नीले होते जा रहे हैं और जख्म जो है ना बहुत गहरे होते जा रहे हैं। धीरे धीरे उसके जो पैरों की स्किन है ना अब काली भी होती जा रही है। डॉक्टरों को समझ ही नहीं आता कि इसके पैरों में ऐसा कौन सा इन्फेक्शन फैल गया है जो ठीक ही नहीं हो पा रहा है। 4 दिन के बाद डॉक्टर ना उसको डिस्चार्ज दे देते हैं। अब सतीश घर पर आता है और थोड़ा बोलने के लायक है, तो गाँव वाले पूछते हैं कि क्या हुआ था तेरे साथ, तो वो अपनी पूरी आपबीती गाँव वालों को बताता है। अब गाँव वाले बात सुनकर ना बहुत गुस्से में आ जाते हैं। पूरे गांव वाले लोग जितने भी होते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम उस चुड़ैल को नहीं छोड़ेंगे, हम उसको जला के राख कर देंगे। तो सतीश बोलता है नहीं, ये गलती मत करना, अगर तुम लोग वहां पर जाओगे ना तो तुम्हारी जान बहुत ही ज्यादा खतरे में पड़ सकती है, तुम लोग वहां पर मत जाओ। बड़े बुजुर्ग जो है ना वो सही बोलते थे कि वहां पर नहीं जाना चाहिए, मैंने जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम लोग वहां पर मत जाओ। तो गांव वाले अभी सतीश की बात मान लेते हैं। सतीश जो एकदम हट्टा कट्टा नौजवान था ना, अब वो उसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि
वो टोटली बेड पर आ गया है, उससे चला भी नहीं जा रहा है। डे बाई डे उसके पूरे पैर सड़ गए हैं, वो उसकी जो स्किन है ना वो सूख कर कांटा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक हड्डियों का ढांचा हो। उसके बदन पर ना मांस की एक भी बोटी नज़र नहीं आ रही है। उसको ये तकलीफ झेलते झेलते 5 साल हो गए। 5 साल के बाद वो मर गया, लेकिन मरते मरते वो एक ही बात सबको बोला कि बुजुर्गों की बात मानना, उस जंगल में उस एरिया में कभी भी मत जाना, जो मैंने गलती की है वो तुम लोग गलती कभी भी मत करना। दोस्तों मेरा मानना ये है कि अगर कोई बोलता ना यहाँ पर भूत प्रेत या जिन है, भले ये बात अफवाह है, इस बात को अफवाह को आप लोग सच मानना, क्योंकि कब कहाँ क्या हो हमको नहीं पता है। तो बेटर है कि हमको इन चीज़ों से जितनी दूरी बनाई जा सके ना उतनी अच्छी है। बस अपने आप को सुरक्षित रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।